जेब में पैसा नहीं है, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, नौकरी भी नहीं और छोकरी भी नहीं, फिर भी लोगों को ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई बिल्लो बग्गे बिल्लियादा की करेगी। बिल्लो बग्गे बिल्लियादा की करेगी, इस सवाल का बड़ा ही खूबसूरत जवाब है मेरे पास, बट अगर मैंने वीडियो में उसका जवाब दे दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हरामी हूँ। मेरा जवाब छोड़ो, इस सवाल का जवाब हम लोग काका से ही पूछ लेते हैं भाई। तो रिसेंटली एक न्यूज चैनल वालों ने काका का इंटरव्यू लिया था स्पेशली इस चीज के लिए कि बिल्लू बगे बिल्लियादा की करेगी, और ये वही न्यूज चैनल है जिसको हमने पिछली वाली इस वीडियो में रोस्ट करा था। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इधर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको क्लिक करके देख लो। बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप में। मतलब क्या होता है भाई साहब इन लाइनों का? पता नहीं, हमें तो बस एक ही बांगड़ बिल्ला मालूम है भाई, ये वाला। बता दीजिए, एकदम बड़ा कंफ्यूजन है, इनका काम है न्यूज़ बता के देश का कंफ्यूजन दूर करना, ही खुद ही कंफ्यूज है। ये 2-3 साल का नेशनल सवाल है, मैं नहीं आसानी ना के मिलाता हूँ। भाई साहब कह रहे हैं ये 2-3 साल की दरमियान का सवाल है, इतनी जल्दी इतने फटाक से जवाब नहीं मिलेगा इसका। क्या बना है टी शर्ट? ये भी कोई बिल्लो है क्या भाई साहब? बिल्लो बनी हुई है और पीछे कौवे उड़ रहे हैं, क्या है बेटा ये? सर आप अपनी ऑडियंस से बात करो ना, उस बंदे की शर्ट पे क्या छपा हुआ है, इससे बिल्लो बग्गे बिल्लियादा की करेगी का क्या मतलब है भाई? कुछ तो ऐसा कुछ ऐसी है? हाँ सर, एनिम कैरेक्टर। क्या है? एनिम कैरेक्टर है सर। एनिम? यस, एनिम। एनिमे? यस। ये क्या होता है? कार्टून टाइप कैरेक्टर सर, लोग काफी पसंद करते हैं आज। किधर पढ़े लिखे हो यार तुम, उसको एनिमे बोलते है, इसने एनिमे को कार्टून बोला भाई। एनिमे लवर्स कमेंट सेक्शन में कर दो भाई, मेरे नहीं न्यूज रिपोर्टर के। बेली बोर्ड वाली जाओ ते अपनी गल हुई सी, एक अदरक वाली चाह दी, क्योंकि मैं गला खराब है थोड़ा जा मेरा। उदय इन्होंने चाय की गल कर ली, मैंने प्रॉमिस करके भूल गया पे। नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं। देखो भाई न्यूज़ वालों ने इनको चाय तक ऑफर नहीं करी भाई, ये कैसा बिहेवियर है यार? इतने बड़े स्टार इनके न्यूज़ स्टूडियो में आए हैं और इन्होंने अब तक उनको चाय नहीं पिलाई, खुद मांगनी पड़ रही है इनको चाय कि भाई प्लीज मेरे को चाय दे दो, मेरा गला बैठा हुआ है। पंजाबी गाना मशहूर नहीं है मेरा, लौंग को बच्चा निगाह मारदा ही है। हां इसका क्या मतलब? एक तो पहले ही बिल्लो बग्गे बिल्लियादा की करेगी का जवाब नहीं मिल रहा, और ऊपर से और एक सवाल दे दिया आपने काका ने। चाले दो। अरे चाय लेके आओ यार तुम। लॉन्ग वाचा। काका को दूसरी बार चाय मांगनी पड़ रही है भाई। हमारे यहाँ अगर कोई गेस्ट आता है ना तो हम उनको खुद से चाय ऑफर करते हैं भाई, भले ही वो मांगे या ना मांगे, बट ये न्यूज वाले तो रिपोर्टिंग के पीछे ही पड़े हुए हैं। अपनी मेहमान नवाजी तो इनको बिल्कुल नहीं आती भाई, खाली खुद के मतलब के लिए इन्होंने काका को बुलाया है भाई यहाँ पे। अब आपका फेवरेट सॉन्ग ही अब सुनना चाहेंगे हम एक बार, क्या लैन दे। दस की करा तेरे ते मरा, कहन तो डरा कह लैन दे, तू मेरे जज़्बात छेड़े को गल कहंदे जेड़े, बस तेरे नेड़े तेड़े रह लैन दे। लब के बहाने जाने जोड़ लै यराने जाने, घड़ी बिंद तेरे वेड़े बह लैन दे, मेनू ता ना रोक मैं ता पहले ही डरपोक, मेरा हौसला ना सुख इनू बह लैन दे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, वाह भाई क्या गला है। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई काका अपने गानों में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते अपने जियान भाई की तरह। मतलब क्या होता है भाई साहब इन लाइनों का? पता नहीं। ये इंटरव्यू छोड़ो भाई, काका तो बिल्लो बग्गे बिल्लिया का मतलब बताने से रहे, बट एक मोहतरमा है जिन्होंने कि बिल्लो बग्गे बिल्लियादा की करेगी का आंसर हमें दे दिया है भाई। बिल्लो बग्गे बिल्लियादा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियादा की करेंगी, यानी कि वो नीली आंखों वाली लड़की बिल्लो, बिल्लो लड़की को कहते हैं जिसकी आंखें नीली हैं, उससे पूछता है कि तुम ये गोरे गोरे बिल्ली आंखों वाले लड़कों का क्या करोगी? ये बात तो सही है। बग्गा कहते हैं गोरा रंग वो जिस लड़के का, यानी कि किसी अंग्रेज को या वैसे ही किसी का रंग बहुत चिट्टा है तो आप उसको कहेंगे कि बग्गा है। तो वो ये कह रहा है कि तुम नीली आंखों वाली लड़की बिल्लो, तुम ये इन गोरे लड़कों का क्या करोगी? ये बात तो सही है, आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो इस गाने के थ्रू उसने उस बिल्लो पे अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, क्योंकि उसने लाख कोशिश कर ली है कि वो अपना रंग किसी तरीके से ठीक कर ले, नाइट क्रीमें भी सारी इस्तेमाल कर चुका है, फेशियल भी करा चुका है बेचारा, लेकिन उसका रंग नहीं हो रहा है सही, लड़की उसको लिफ्ट नहीं करा रही। अब वो बेचारा इस गाने के थ्रू अपनी फीलिंग्स को बयान कर रहा है। हाउ ग्रेट। बिल्लो गोरे गोरे लड़कों का की करोगी, गोरे लड़कों पे मरने वाली तो बहुत मिलेंगी भाई, और जैसे ही तुमसे बेटर कोई मिल गई उनको तुम्हें छोड़ देंगे वो लोग। अगर लोंडे पटाने ही हैं तो मेरे और काका जैसे पटाओ ना भाई, सावले हमको भाई धूप में लेकर जाओ,
हम काले नहीं पड़ेंगे, हमको भाई मिट्टी में लेटा दो फिर भी हम काले नहीं पड़ेंगे, हमारा रंग जैसे का तैसा रहेगा भाई, तुम्हारे साबुन का पैसा भी बच जाएगा भाई, हम अगर 10-10 दिन तक नहाए भी नहीं ना तो भी हम एकदम फ्रेश लगेंगे भाई जैसे के तैसे, और तो और हम पे कोई लाइन भी नहीं मारेगा, इस वजह से धोखा देने का तो हमारा चांस ही पैदा नहीं होता भाई। देखो भाई कितने फायदे हैं हम सावले लड़कों के, समझ नहीं आता है इनको, इनको तो बस बग्गे बग्गे बिल्ली चाहिए भाई, हमारी तो किसी को वैल्यू ही नहीं है। वैसे अगर सिंगर्स की बात चल ही रही है तो भाई और एक बात कर लेते हैं अपने योयो हनी सिंह और जियान भाई की कंट्रोवर्सी के बारे में। जिस आदमी ने इंडिया में हिप हॉप कल्चर की स्टार्टिंग करी भाई, रेवोल्यूशन लाया इंडिया में, उसी आदमी के डाउनफॉल के समय में उसको सपोर्ट करने की बजाय भाई उसको तुम ये सब बोल रहे हो कमबैक नहीं हो रहा ये वो, भाई अगर तुम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं बोलना चाहिए भाई, वरना उसका बदला बाद में लिया जाता है। हो गया ना फिर हनी सिंह का कमबैक हो गया हनी 3.0 में, और बादशाह को इतना ज्यादा हेट मिल रहा है। हनी पाजी ने ऐसा कमबैक करा कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता था, इतने बढ़िया गाने लिखे इन्होंने, एक तो वो अश्क वाला और ये कुल्ले कुल्ले, ये दोनों गाने भाई मेरे को 2010-11 की याद दिलाते हैं सुनने के बाद, सेम वाइब आती है भाई। हनी पाजी का एक गाना जियान के 100 गाने पे भारी है भाई, और उन गानों से लोगों को जो मैसेज मिलता है ना वो तो अपने बादशाह भाई के किसी भी गाने से नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि भाई हनी पाजी का एक गाना है ब्रेकअप पार्टी, तो वो गाना भाई हनी पाजी ने यू ही टाइम पास में नहीं बनाया था, उस टाइम पे लोंडे ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे थे, तो उस सिचुएशन को देखने के बाद हनी पाजी ने ये गाना लॉन्च करा था ताकि लोंडो तक ये मैसेज पहुंच सके कि भाई ब्रेकअप के बाद सुसाइड वगैरह मत करो, बल्कि उसकी जगह पार्टी करो भाई, ब्रेकअप पार्टी करो। और आपको बता दूं कि देसी कलाकार सॉन्ग का पार्ट 2 यानी कि काला स्टार का टीजर लॉन्च हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से जाके देख लो भाई, एक नंबर है भाई। जिस तरह हनी 1.0 ने भाई उस जमाने में आग लगा दी थी, वैसे ही हनी 3.0 2023 में बढ़िया वाली आग लगा देगा भाई, ऐसे भी और जियान के पीछे भी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और जल्दी जल्दी से अपने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो भाई, तब तक के लिए बाय बाय।